नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल द कॉम्पिटिशन हब पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी टीपीएससी के जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2020 के रिजल्ट को लेकर के। जो आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उसके रिजल्ट के लेकर के काफ़ी आप सभी लोग टेंशन में थे कि इसका रिजल्ट कब आएगा, कब आप सभी लोगों को टाइपिंग करने का मौका मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको 100% सही जानकारी दे रहे हैं अपने इस चैनल के थ्रू। आपकी जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो किस मंथ में हो आ जाएगा और कब आपकी टाइपिंग करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि हम अपने चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सटीक देते हैं दोस्तों। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैनल से सही जानकारी मिली, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं ऑफिशियल जो डेट है किस मंथ में आपका रिजल्ट आने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों ये देखिए, ये ऑफिशियल है उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को बता दें कि डेट जो दी गई है 31 जनवरी को यह प्रकाशित हुआ है। और हम आपको बता दे रहे हैं कि सारी की सारी जितने भी एग्जाम्स हैं सभी की जो भी है, देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किसका रिजल्ट कब आएगा। देखिए यहाँ पर 2016 से इन्फॉर्मेशन दिया गया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो 2016 से देखिए, 2016 से स्टार्ट है अबकारी सिपाही से लेकर के। तो हमें आपको दिखाना है कि आपको बता दें कि किस डेट में आपका जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आ रहा है। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जितने भी हैं सभी के रिजल्ट्स की डेट दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले ये देखिए चार, देखिए 021 नंबर पे देखिए चार परीक्षा 2019, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था, देखिए दिनांक 4/1 दिन शनिवार, यहाँ पे देखिए 4 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था। ये कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगिता, ये देखिए ये है आपका, ठीक है। और 7/1/2020 को आपकी उत्तर कुंजी आई थी। और देखिए एग्ज़ाम की डेट, देखिए रिजल्ट जो है आपका मार्च 2020 में होगा, ठीक है। अटंकन परीक्षा तैयार अभ्यर्थियों को परिणाम प्रकाशित किया जाना संभावित है। ये देखिए ये आपकी डेट है, ठीक है, यानी मार्च माह में, ठीक है, मार्च के मंथ में। अभी फरवरी चल रही है दोस्तों, मार्च में आपके जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे यूपी टीपीएससी की कनिष्ठ सहायक के, ठीक है। तो आप लोगों के पास दोस्तों, हम आपको बता दें कि टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि फरवरी के मंथ चल रहा है और मार्च में रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के एक महीने बाद आपकी टाइपिंग की डेट आ सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत ही अच्छा चांसेस हैं। जो भी स्टूडेंट अभी टाइपिंग स्टार्ट कर दिए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो अपना वो अच्छे से दे सकेंगे उसके बाद टाइपिंग। बट जिन्होंने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि टाइपिंग आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। हमने आपको कट ऑफ भी बता दिया है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग जितने भी स्टूडेंट अगर आ रहे हैं आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए टाइपिंग अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है, टाइपिंग आपको बुला लिया जाएगा। बट अगर किसी कारणवश अगर आप टाइपिंग में आपको नहीं बुलाया जाता तो आपके लिए टाइपिंग जो है नुकसान नहीं करेगा, आप अगली वैकेंसी के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। और साथ ही साथ कहीं भी आप प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर डाटा एंट्री उंट्री की वजह से तो वहाँ पर भी आपको टाइपिंग की डिमांड की जाती है। आपको टाइपिंग हमेशा हेल्पफुल होगा, कभी आपको नुकसान नहीं होगा सीखा हुआ कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये था आपको वीडियो, हम आपको जो बताना था रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि रिजल्ट जो है आपको मार्च में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।